दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज बाम्बू चिकन का वो है, तो देखिए ये है बाम्बू, और बाम्बू में देखिए ये है होल जिसमें चिकन डाला जाएगा और इसको पकाया जाएगा। तो पकाने का तरीका भी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे पकेगा ये। दोस्तों, आज पार्टी का मूड हो रहा वापस, अभी 2 दिन पहले ही पार्टी हुआ है, आज वापस पार्टी करने वाले हैं हम लोग। आए हुए हैं कुछ मटेरियल लेने के लिए, जो आज बाम्बू चिकन बनने वाला है। तो आज बाम्बू चिकन का मटेरियल लेने के लिए आया हुआ है। ये हमारे कमर जमा भाई लेफ्ट साइड में और इरशाद भाई, दोनों लोग साथ में ही खड़े हैं और आगे पीछे खड़े हैं। दोस्तों, अभी देख रहे हैं आप, तंदूर जो नान है वो रेडी हो रहा है और हम लोग आए हैं नान लेने के लिए। तो थोड़े टाइम में नान लेके फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से वापस घर के लिए। दोस्तों, ये बांस के टुकड़े को छोटे छोटे भागों में काट रहे हैं। अभी एक छोटा छोटा देखिए अभी काट के हो जाएगा और इसके अंदर ही चिकन डाला जाएगा। अभी मैं आगे आपको और दिखाता हूँ इसमें कैसे चिकन डाला जाएगा और छोटे छोटे टुकड़े में कैसे काटा गया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आगे। आप बने रहिए कंटिन्यू हमारे वीडियो पर। दोस्तों, अब चिकन को बाम्बू में डाला जा रहा है। ये देखिए हमारे फिरोज भाई हैं जो चिकन को डाल रहे हैं। देखिए थोड़ा तेल शायद कम हो गया था, तो तेल वापस उसमें मिलाया जा रहा है, चिकन के ऊपर डाल के वापस डाल रहे हैं। देखिए देखिए अभी एक हो गया, ये लहसुन है और मिर्ची देखिए ऊपर से दिख रहा है ये, और ये दूसरा भी रेडी हो गया। आपको कंटिन्यू मैं दिखाता हूँ आगे कैसे बाम्बू में पूरा होकर के उसके बाद क्या होता, आगे का क्या प्रक्रिया है, क्या करते हैं। आगे कंटिन्यू बने रहिए हमारे वीडियो पे। दोस्तों, ये रहा चिकन, और चिकन बाम्बू में पड़ चुका है। ये देखिए करीब 8 पीस है ये बाम्बू का टुकड़ा, और उसमें सारे में अंदर देखिए चिकन पड़ा हुआ है। और अब इसको जो बाम्बू है और चिकन है इसको अब पैक करेंगे केले के पत्ते से, जो बनाना का पत्ता है उससे पैक करेंगे इसको। ये देखिए अब पैकिंग स्टार्ट हो चुका है, ये बनाने के पत्ते से, केले के पत्ते से ये पैकिंग हो रहा है सारे। ये हमारे फिरोज भाई वन बाय वन करके पैक कर रहे हैं। देखिए आपके सामने कैसे पैक किया जा रहा है इसको बाकायदे। दोस्तों, अब ये आ गया आग के ऊपर। देखिए अब इसको पलट पलट के मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक इसको पलट के बढ़िया से पकाया जाएगा। ये देखिए ये पक रहा है और काफ़ी एक्चुअली बाद में आपको वीडियो में इसको शूट करके दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए देखिए जला हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब अगर देखा जाए तो ये 50% सुपर हो चुका है जो हमारे फिरोज भाई बोल रहे हैं। ये देखिए दूसरे साइड से वो करके देखिए एकदम ब्लैक हो चुका है, काला हो चुका है अभी जो बांस है ऊपर से एकदम काला हो चुका है, और
जो कोयला जो है, कोयले की आग जो बनी हुई है उस पर बढ़िया से इसको जितना बढ़िया से सेकेंगे उतना ही अच्छा ये उतरेगा। खाने में मैंने सुना है कि बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी होता है ये और ये ड्राई होता है। ये देखिए हमारा सलाद भी हो चुका है और देखिए चेक किया जा रहा है अभी। ये हमारे फिरोज भाई एक निकाले हुए हैं चेक करने के लिए, इसमें से सारे लोग चेक करेंगे। देखिए हमारे कमजमा भाई जो है एक पीस अभी इसमें से उठाने वाले हैं। दोस्तों अभी ये बनके तैयार हो चुका है और सारे लोग देखिए बैठ चुके हैं। हमारे अशरफ भाई अभी जाके फ्री हुए हैं और इरशाद भाई भी बकायदे बैठ गए हैं और ये हमारे फिरोज भाई जो हमारे सेफ, हमारे कर्ता धरता जो भी कहा जाए कम है, इनकी वजह से ही आज ये बाम्बू चिकन, वजह हम नहीं वजह, तो ये चिकन रेडी हो चुका है, चिकन बाम्बू, और देख रहे हैं पूरा लग चुका है खाने के लिए, हम लोग रेडी हैं। और आज इसमें वापस चिकन और नान और जो अमूल का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था छाछ, और ये रहा अपना सलाद, ये सारे आइटम हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और वीडियो कैसी रही आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।